हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके सबके चैनल में ऑल इन टेक में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे, मैं भी स्वस्थ हूं। मैं आपके लिए आज की वीडियो लाया हूं रिलायंस के जियो अपकमिंग मोबाइल आने वाला है। रिलायंस जियो का वो 5G सपोर्ट करने वाला है। रिलायंस जियो फोन है वो, और ये फोन आने वाला है AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के बाद आने वाला है। ये होता है जब रिलायंस का ये एनुअल मीटिंग हमेशा होता है, तभी एक नया प्लान या नया ऑफर लॉन्च करते हैं। उसी टाइम पे दो चीजें लॉन्च हो सकती है, या फिर एक है जियो 5G फोन या फिर जियो का लैपटॉप, जो कि मैंने वो उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। अगर वो वीडियो मिस कर दिए, नहीं देखा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पे जाके वीडियो का मजा लीजिए। चलो बात करते हैं दोस्तों जियो के फोन में। जियो का ये जो फोन आने वाला है वो 5G सपोर्ट करने वाला है और वो सबसे सस्ता 5G फोन होने वाला है। हाँ दोस्तों, ये सबसे सस्ता फोन होगा गूगल के साथ। जैसे ही गूगल, आप जानते हो, रिलायंस और रिलायंस जियो के साथ गूगल ने ये किया हुआ है, उनका स्टेक परचेस किया हुआ है 7.5%, तो वो गूगल के साथ एक कस्टमाइज एंड्रॉइड बना रही है जिसे जियो ओएस बोला जाएगा। वो जियो ओएस के साथ वो फोन आने वाला है, जो कि जियो के जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए, मतलब जियो के जितने भी एप्स हो गए, जियो जियो म्यूजिक, जियो जियो न्यूज, जियो पे, जो भी जियो के है, जो भी एप्स, वो सपोर्ट करेंगे, कस्टम सपोर्ट करेंगे। और जो एंड्रॉयड होता है वो एंड्रॉयड बेस ही होगा, बट वो एंड्रॉयड जियो ओएस टाइप वर्क करेगा। मतलब वही नॉर्मल अपना एंड्रॉयड होगा, बट उसको कस्टमाइजेशन करने के बाद वो लॉन्च होने वाला है। और ये लॉन्च होने वाला है AGM मीटिंग के बाद, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है रिलायंस की, उसके बाद ही एक नया डिवाइस लॉन्च करते हैं, या फिर मैन्युअली जो कहा जाकर कि नए ऑफर्स, नए प्लान लॉन्च करती है, वो अभी सेप्टेम्बर में होने वाला है। और सेप्टेम्बर के बाद आपको बहुत ही जल्द इंडिया में आपको दो चीजें देखने वाली है, जियो का लैपटॉप फर्स्ट थिंग, और सेकेंड है जियो का मोबाइल, वो भी 5G सपोर्टेड। अभी हाल फिलहाल दोस्तों जियो का लैपटॉप जो आ रहा है 4G, वो तो 4G सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वो स्नैपड्रैगन 465 के साथ ये कर रहे हैं, उन्होंने टेस्टिंग कर रहे हैं, बट उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। जियो के जो लैपटॉप आने वाले हैं वो स्टोरेज वेरिएंट में आने वाले हैं, ऐसे मुझे कुछ पता चला है सोर्सेस। तो एक होगा 32GB सोर्स स्टोरेज के साथ और एक होगा 64GB के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।